Presenting 29 Motors Elbert, a high quality electric mountain bike. 29 Motors काफी पहले से इलेक्ट्रिक साइकिल बनाते आ रही है। खासकर कंपनी अपने यूनिक फ्रेम डिजाइन की वजह से जानी जाती है। बट क्योंकि उस फ्रेम को लेकर कस्टमर्स में काफी मिक्स रिएक्शन था, तो इसलिए कंपनी ने फाइनली एल्बर्ट को स्टैंडर्ड फ्रेम डिजाइन के साथ लॉन्च किया है, वो भी पहले से इम्प्रूव्ड एंड क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ। एल्बर्ट एक इलेक्ट्रिक माउंटेन बाइक है जो स्टैंडर्ड फ्रेम डिजाइन के साथ आता है। इसकी अगर अपेयरेंस की बात करें तो कंपनी ने बाइक को प्रीमियम टच देने के लिए इसकी फ्रेम पे हाई क्वालिटी पाउडर कोटेड पेंट किया है, और साथ में इसकी मिनिमलिस्टिक ब्रांडिंग और इंटरनल केबल रूटिंग की वजह से ये बाइक एस्थेटिकली दिखने में काफ़ी अपीलिंग लगता है। और ये बाइक आपको दो फ्रेम डिज़ाइन एंड कलर ऑप्शंस पे मिलेगा, जहाँ पे ग्रे वन आपको एरोडायनामिक फ्रेम डिज़ाइन के साथ मिलेगा, जबकि रेड वन आपको स्ट्रेट क्रॉस बार के साथ मिलेगा। वेल, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी 17 इंचेस फ्रेम को क्राफ्ट किया गया है 6061 एल्युमिनियम अलॉय से। वैसे 18 इंचेस एंड 19 इंचेस फ्रेम साइज भी अवेलेबल है, सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स आप कोई सा भी फ्रेम ले सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। एनीवे, बाइक की बाकी कंपोनेंट्स जैसे हैंडल बार, स्टेम, पैडल, रिम, सीट क्लैंप, ये सब कुछ एल्युमिनियम का है, तो इसलिए एल्बर्ट कंपैरेटिवली लाइट वेट है। एज पर कंपनीज क्लेम इसकी वेट है 22 kg विद अ लोडिंग कैपेसिटी ऑफ 125 kg। एल्वर में 36V 250W की BLDC रियर हब मोटर यूज किया गया है और ये मैक्सिमम 42 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस हाई एलिवेशन खासकर हील पे कैसा रहेगा वो तो खैर रियल टाइम टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, बट अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसकी टॉप स्पीड है 25 km/h, बट विद द हेल्प ऑफ पैडल असिस्ट आप 30 से 32 की स्पीड अचीव कर पाएंगे। बैटरी की अगर बात करें तो एल्बर्ट 10, 12 एंड 15 एच पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी ऑप्शंस के साथ आता है, और अच्छी बात है कि ये सैमसंग का बैटरी है तो बैटरी काफ़ी एफिशिएंट रहने वाला है। वेल, अगर चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के लिए इसके साथ आपको 5 एम्पीयर की फास्ट चार्जर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप इसकी 15 एच बैटरी को करीब 3 से 3.5 घंटे में फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। एंड पर चार्ज बेस्ड ऑन बैटरी कैपेसिटी कंपनी मिनिमम 50 km टू आ मैक्सिमम 80 km का रेंज क्लेम करती है विद पैडल असिस्ट। वैसे पैडल असिस्ट के लिए आपको 12 मैग्नेट्स 5 लेवल्स ऑफ असिस्टेंस मिलेगा, और जिसे आप इस 2 इंचेस बैकलिट मल्टीफंक्शन LCD डिस्प्ले से इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा बाइक में थ्रॉटल एंड मैनुअल मोड के अलावा क्रूज मोड जैसी फीचर भी दिया गया है। एल्वर एक 26 इंचेस ई बाइक है जो 2.15 इंचेस हाई क्वालिटी रैल्सन टायर्स के साथ आता है, और ये वेल ट्रेडेड एंड वाइड नायलॉन टायर्स है, तो अच्छा ट्रैक्शन के साथ आपको काफ़ी अच्छा ग्रिप भी मिलेगा खासकर इंडियन सड़कों पे। वैसे अगर आपको 27.5 इंचेस व्हील सेट चाहिए तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। वेल, अगर सस्पेंशन की बात करें तो इस बाइक की सस्पेंशन सिस्टम मार्केट में अवेलेबल दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक्स की कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हाई ट्रैवल 120 mm की फ्रंट फोक सस्पेंशन यूज किया गया है, और अच्छी बात है कि लॉकआउट एंड पिलोट एडजस्टर के साथ आता है। सो क्योंकि सस्पेंशन की ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है और ये पिलोट एडजस्टर के साथ आता है, सो आई बिलीव इसका ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस बाइक के गियर सिस्टम की क्वालिटी भी मार्केट में अवेलेबल दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक्स की कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। इसमें शिमानो की 7-स्पीड गियर सिस्टम दिया गया है जो रियर में शिमानो ऑल्टर्स डिरेलर एंड फ्रंट में EF500 शिफ्टर के साथ आता है, और यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि ये 100% ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल शिमानो ऑल्टर्स गियर सिस्टम है। तो अगर ऐसा है तो नो डाउट इसके साथ आपको टॉनी की कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और हाँ, वैसे अगर आपको 21-स्पीड गियर सिस्टम चाहिए तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर एन एक्स्ट्रा 2000 rupees। वेल, इसके अलावा सेफ्टी के लिए इस बाइक में आपको ड्यूअल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स दिया गया है जो सेफ्टी कट ऑफ फीचर के साथ आता है, बट जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसके साथ कंपनी आपको एक टेल लाइट दे रही है जो कि बैटरी कनेक्टेड एंड ब्रेक के साथ इंटीग्रेटेड है, जस्ट लाइक अ मोटरसाइकिल।
मतलब ब्रेक अप्लाई करने पे ये मोटरसाइकिल की तरह जलने लगता है, और ये चीज इस बाइक में मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। एनीवे, इसके अलावा इस बाइक में आपको एक हेडलाइट, इलेक्ट्रिक हॉर्न, बेसिक सिक्योरिटी के लिए इग्निशन की एंड अ पेयर ऑफ मडगार्ड्स भी कंपनी दे रही है। और आखिर में इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो बेस्ड ऑन बैटरी कैपेसिटी एंड गियर सिस्टम इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 एंड कैन गो अप टू 50,000 रुपीज। और इसे खरीदने पे इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी मिलेगा ऑन बैटरी, जबकि बाकी कंपोनेंट्स पे आपको 1 साल की वारंटी दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एज पर कंपनीज क्लेम ऑन द पेपर ये बाइक मुझे काफी प्रॉमिसिंग लगा। बाइक एस्थेटिकली काफी अपीलिंग है और ये पूरा एल्युमिनियम बिल्ड है। फ्रेम से लेकर हैंडल बार, स्टेम, सीट क्लैम, पैडल सब कुछ एल्युमिनियम का है। इसके अलावा सैमसंग की हाईली एफिशिएंट बैटरी है, 120mm सस्पेंशन है, वो भी लॉकआउट एंड पिलोट एडजस्टर के साथ, और साथ में शिमानो की 100% ऑथेंटिक ऑल्टर्स गियर सिस्टम भी दिया गया है। इसके अलावा ब्रेक्स इंटीग्रेटेड टेल लाइट है, हेडलाइट है, हॉर्न है, और बेसिक सिक्योरिटी के लिए इग्निशन की भी दिया गया है। और वैसे प्राइस भी देखा जाए तो ये भी काफ़ी कंपटीटिव है, बढ़ा एट 50K। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 20 बैटरी पैक इंस्टीड ऑफ 15। अदरवाइज वैसे देखा जाए तो बाइक में काफ़ी पोटेंशियल है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस बाइक के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और इसकी अगर आप रियल टाइम टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल पे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, मैं अजय साइनिंग ऑफ।